हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मैगी। तो उसके बनाने के लिए हमने दो टमाटर कटे हुए, एक प्याज कटी हुई, एक हरी मिर्च कटी हुई, छोटा टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, एक चम्मच जीरा और मैगी मसाला ले लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में। तेल गरम होने के बाद इसमें हम अदरक कटा हुआ, साथ में मिर्ची भी डाल देंगे कटी हुई। और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा अदरक और मिर्ची अच्छी तरह से भुन रही है। कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। प्याज को अच्छी तरह चलाते रहेंगे और इसको हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को भी अच्छी तरह मिलाते हुए भून लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। तब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाले को डालकर अच्छी तरह से चला लेना है। और इसको मैगी मसाला पक जाने के बाद अब हम इसमें लगभग 500 ml पानी डालते हैं। उबाल आने के लिए इसे ढककर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अभी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब इसमें हम मैगी डाल देते हैं। मैगी नूडल डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अच्छी तरह मिला लेंगे। फिर ढक्कन से ढककर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। 20-20 मिनट चलाते रहना है। अभी हमारी मैगी थोड़ी पक चुकी है। थोड़ी देर तक और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारी मैगी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है।
तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। अभी हमारी मैगी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसे अच्छे से, हमारी मैगी अब तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।